और सीधा बड़ी खबर की ओर करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। बड़ी खबर की ओर करेंगे, बता दें कि सुभाष बराला ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नायब सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे। सुभाष बराला ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नायब सैनी की मौजूदगी में सुभाष बराला की ओर से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया गया। हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार है सुभाष बराला, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और सुभाष बराला की ओर से जो है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। एक ये बहुत अच्छा जो निर्णय लिया है कि जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम किया है, सुभाष बराला जी एक किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार के बेटे को आज राज्यसभा के अंदर पार्टी ने नॉमिनेट किया है। आज नॉमिनेशन फाइल हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा कि लंबे समय तक सुभाष बराला जी जो किसान मोर्चा के नाते भी किसानों की आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहे हैं, पार्टी की को मजबूत करते हुए लंबे समय तक जिन्होंने कार्य किया है और विधानसभा के माननीय सदस्य भी सुभाष बराला जी रहे हैं और आज पार्टी ने एक किसान के बेटे को जो राज्यसभा के अंदर भेजने का निर्णय लिया है, मैं आदरणीय अब मुख्यमंत्री जी का और तमाम केंद्रीय नेताओं का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय के अंदर सुभाष बराला जी का जो लंबा एक्सपीरियंस रहा है उसका लाभ सरकार को भी मिलेगा, सरकार के साथ साथ पार्टी को भी मजबूती की तरफ ले जाने का ये कदम है। मैं सुभाष बराला जी को, किसान पुत्र को बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। बराला जी, सर पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, नामांकन भरा, तो पार्टी के फैसले को लेकर क्या कहेंगे और राज्यसभा में जाएंगे तो किस तरीके से आपकी स्टेट को लेकर प्राथमिकता पे रहने वाली? देखिए स्वरूप, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश का लगातार नेतृत्व कर रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे जुझारू साथी सांसद नायब सैनी जी और तमाम पार्टी नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे एक कार्यकर्ता के ऊपर ये विश्वास किया और मुझे हरियाणा प्रदेश की तरफ से राज्यसभा में भेजने का मौका प्रदान किया। जहाँ तक राज्यसभा में काम की बात है तो निश्चित रूप से हरियाणा समेत तमाम जितने भी विषय इस प्रकार के होंगे जिससे गरीब, युवा, महिला और खास करके किसान का कल्याण जुड़ा हो, ऐसे सब मुद्दे राज्यसभा में मैं उठाने का प्रयास करूंगा ताकि इन सभी वर्गों का जो कल्याण करने का एक सिलसिला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से चल रहा है उसमें मैं अपना सहयोग भी डाल सकूं। सर, अभी जिस तरीके से आपके नॉमिनेशन, आपका जब नाम तय किया गया उस दौरान हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज का बयान था, मैं पूछा आप जवाब दे दें, ये उनका कहना था सर कि भारतीय जनता पार्टी ने वत साहब की जगह पर हरियाणा का नाम आपको
के एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को मौका नहीं दिया और ब्राह्मणों के खिलाफ जो है वो अनदेखी का आरोप लगाया। अब इसमें सर आप जवाब दिया है, उन्होंने कहा ब्राह्मणों की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनका आरोप है सर। देखिए कांग्रेस सहित भी ऐसा विषय नहीं छोड़ती जहां पर कांग्रेस इस प्रकार के जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद के अंदर वो ग्रसित पार्टी है। इस समय के ऊपर उनको इस प्रकार के विषय जो वो रखते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देखता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर जिस प्रकार का एक बरादरी के अंदर भी सब बरादरियों खड़ी करने का काम कांग्रेस ने किया है वो समाज के लिए भी उचित नहीं है। जनरल डीपी वज साहब हमारे बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, उनका कार्यकाल पूरा हुआ है और बराड़ा जी का लंबा एक्सपीरियंस है, किसान के बेटे हैं, उन्होंने तो प्रशंसा करनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि कांग्रेस पुत्र को आज राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी एक किसान पुत्र को राज्यसभा के अंदर आज उसका नॉमिनेशन हुआ है। और ये जात पात की जो राजनीति है ये कांग्रेस करती है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष को बखूबी समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र की मजबूती की बात करती है, जात पात की बात नहीं करती। सर सोनिया गांधी जी राज्यसभा जा रही है तो आप ये मानते हैं सर कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को या अपने पार्टी के पदाधिकारी जो कार्यकर्ता है उनको मौका देने के बजाय खुद इस तरीके के जब मौके आते हैं तो जाने की कोशिश रहती है, सोनिया गांधी खुद राज्यसभा की उम्मीदवार बनी है सर? आज देखिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीब व्यक्ति का जो विकास हुआ है उस तक जो योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचा है, आज कांग्रेस को ये लगने लगा है कि हम शायद किसी सीट से जीत करके नहीं आ पाएंगे, तो उसका विशेष ये कारण है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज उन्होंने राज्यसभा की तरफ अपना रुख किया है कि राज्यसभा से चुन करके आ जाएं, परंतु वहाँ पर सबसे पहले तो परिवार ही है, परिवार को ही ध्यान में रखते हैं वो लोग, उसके बाद सेकेंडरी विषय है, यहाँ पर कार्यकर्ता की वैल्यू है, सबसे पहले कार्यकर्ता को देखते हैं, कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। मैंने कहा है कि लंबे समय तक सुभाष बराला जी ने पार्टी में किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते सेवा की है। तो सुभाष बराला ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी में सुभाष बराला की ओर से राज्यसभा का नामांकन राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया गया। तो इस दौरान बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और नायब सिंह सैनी की ओर से जो है भाजपा की ओर से जो है कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया, कांग्रेस को लेकर जो है आरोप भी लगाए गए हैं, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाया गया। और नायब सिंह सैनी की ओर से जो है सुभाष बराला को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर बधाई भी दी गई है।